अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इटालियन अल्फेरेडो बनाना सिखा रही हूँ, उसकी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले एक पैन लिया है, इसमें पहले से मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें ये अपने अल्फेरेडो के लिए पास्ता शामिल करते हैं और एक खाने का चम्मच भरकर इसमें हम नमक का शामिल कर देते हैं और इसको बॉयल होने तक और इसे 6 से 7 मिनट के लिए हम बॉयल करेंगे। तो जब तक हमारा पास्ता बॉयल होता है हम इस तरह से चिकन का एक पीस ले लेते हैं। तो इसको हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे, ये देखें इस तरह से। तो चलें इसको हम इस तरह से प्लेन जगह पर लेकर किसी भी हैवी चीज़ के साथ इसको हम जो है वो इस तरह से कूट लेंगे ताकि इसके जो हैं वो रेशे जो हैं वो टूट जाएँ और इसमें मैरिनेशन अच्छी तरह से हो जाए। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से जो है वो कूट लेंगे और इसके दूसरे पीस को भी हम इसी तरह से कूट लेंगे। अब इसको इस तरह से हमने फैला देना है और इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो हम नमक का शामिल कर लेंगे और 1 टीस्पून जो है हम सिर्फ पिसी हुई मिर्च का शामिल कर लेंगे, साथ में कुटी हुई काली मिर्च भी शामिल करेंगे और डार्क सोया सॉस भी शामिल करेंगे। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस ना हो तो आप सिंपल सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मैरिनेशन कर लेंगे इसकी। देखिए इसकी मैंने मैरिनेशन कर ली है और इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो चिकन हमारा जो है वो मैरिनेट हो गया है। अब हम ग्रिलर ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक ग्रिल है मेरे पास, तो उससे मैं इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेती हूँ और ग्रीस करने के बाद मैं इसके ऊपर चिकन के पीस रख देती हूँ और इसको 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो एक साइड पर रखूँगी। और जब तक हमारा चिकन जो है वो ग्रिल होता है हम इसका जो दूसरे वाला हिस्सा था पीस था वो इसमें फ्राई पैन में डाल के उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए ये देखिए, ये भी हमारा चिकन का पीस जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब हम इसको खोल के देखते हैं। तो ये देखिए एक साइड से हो गया, अब हम इसको दूसरी साइड से जो है वो टर्न करते हैं और इसको भी हम ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे और दोबारा से ढककर 5 से 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। तो चलिए ये देखिए हमारा चिकन स्टेक जो है वो बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी सॉस रेडी करते हैं। उसके लिए हम ऑयल ले रहे हैं, तकरीबन ये 4 से 5 टेबलस्पून है और इसमें हम एक दरमियाना प्याज जो है चॉप किया हुआ वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से सौते कर लेंगे हम। जैसे ही प्याज हमारा थोड़ा सौते होगा हम इसमें लहसुन जो है वो 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो दरदर कुटी हुई सुरख मिर्च शामिल कर रहे हैं। अब हम इसमें 1.5 कप जो है वो दूध का शामिल कर देंगे, 1/2 टीस्पून जो है हम इसमें नमक शामिल करेंगे, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून से भी कम जो है वो काली मिर्च शामिल करेंगे। जैसे दूध में थोड़े से बबल आना स्टार्ट होंगे हम इसमें 1 कप के करीब जो है टेट्रा पैक की क्रीम और एक और हम जो है तकरीबन 2 कप के करीब जो है वो हम टेट्रा पैक क्रीम जो है वो यूज़ करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक और हम क्रीम का पैकेट यूज़ करेंगे, मैंने 2 पैकेट यूज़ किए हैं। अच्छा, ये वाइट सॉस पास्ता नहीं है, ये अल्फ्रेडो है, इसमें जो है वो क्रीम यूज़ होती है और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें वाइट पेपर यूज़ करेंगे और 1 चम्मच इसमें हम भरकर जो है वो चाय का और ऑरिगैनो डाल देंगे। 5 से 6 मिनट हो गया हमारे पास्ते को बॉयल होते हुए, ये देखिए किस तरह से अलग अलग से है, ये हमारी क्रीम को जो है बॉयल आ रहा है। हम इसमें अपना पास्ता शामिल कर देंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए इसके साथ पकाएंगे हम। अब हम इस चिकन को भी जो है वो इसमें शामिल कर रहे हैं जिसको हमने पैन में जो है वो गोल्डन ब्राउन किया था और इसको इसके साथ मिक्स कर लेंगे और इसमें हम हरा धनिया शामिल कर देंगे। 1/2 कप के करीब जो है वो मैं चैडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ उसमें इस तरह और इसको अच्छी तरह से इसके साथ हम मिक्स कर लेंगे इस चीज़ को। इस स्टेप पे इसमें हम जो है वो ऑलिव भी शामिल कर रहे हैं, ग्रीन ऑलिव शामिल कर रही हूँ मैं इसमें और इसको भी अच्छी तरह से हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे और बस ये गाढ़ा होने वाला है और इसमें 1 चम्मच हम चीनी का भी शामिल कर देंगे।
चलिए देखिए क्रीम जो है हमारी गाढ़ी हो गई। मैंने इसमें देखिए किसी किस्म का जो है वो मैदा शामिल नहीं किया, क्योंकि हमारे इस पास्ते में अल्फ्रेडो पास्ते में जो है वो मैदे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो चलो अब हम इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। इसको इतना ही हमने थिक रखना है, वो इसलिए क्योंकि जब हम ये थोड़ा ठंडा होता है तो गाढ़ा हो जाता है। चलिए ये देखिए इस तरह से हम इसको डिश आउट करेंगे। तो चलिए ये देखिए डिश आउट करने के बाद अपने जो स्टेक है मैं इसके ऊपर इस तरह से रख दूँगी। तो चलिए देखिए हमारा जो है बहुत ही मज़े का अल्फ्रेडो पास्ता विद स्टेक जो है वो बनकर रेडी हो गया है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।